नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री जी विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैं सोनिधि आपको कक्षा 6 में हिंदी विषय का अभ्यास कराऊंगी। तो आज पहले वीडियो में हम जो आपने कक्षा 5 में अभ्यास हिंदी में जो इकाई का जिस इकाई का अभ्यास किया है उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसके कारण आपको कक्षा 6 में हिंदी का अभ्यास करने में आसानी रहे। अब कक्षा 5 में जो आपका पहली इकाई थी वह था चित्रपाठ। अब चित्रपाठ में क्या होता है? चित्रपाठ में एक चित्र दिया जाता है, उसके आधारित उसमें आपको कौन कौन से वस्तुएं या कौन कौन से लोग क्या क्या दिखाई देता है उसके बारे में आपको लिखना होता है और उसके आधारित ही प्रश्न के जवाब लिखने होते हैं। इसके साथ साथ आपने कक्षा 5 में हिंदी का अभ्यास किया था, जिसमें 1 से 50 तक की हिंदी अंक, हिंदी में अंक तथा शब्दों में कैसे लिखते हैं उसका अभ्यास आपने किया था। हिंदी के साथ साथ आपको कई हास्य आधारित इकाई का भी हमने अभ्यास किया था, जिसमें कुछ चुटकुले दिए हो, हिंदी में कुछ चुटकुले दिए होते हैं। उसके साथ साथ एक इकाई थी सोच अपनी अपनी। अब इस इकाई में क्या था कि जो चित्र दिए गए हैं और उसके आधारित जो भी व्यक्ति है सबकी सोच अलग अलग होती है, तो इस इकाई में आपने इस तरह का अभ्यास किया था कि कई व्यक्ति जो है सबकी सोच अलग अलग होती है। चित्र में कौन किसको क्या दिखाई देता है सब अलग अलग तरीके से देखते हैं। इसके साथ साथ व्याकरण में आपने समानार्थी और विरोधार्थी शब्द, क्रिया किससे कहते हैं और वर्णमाला उसका अभ्यास भी किया था। व्याकरण विभाग के साथ साथ लेखन विभाग में आपने कहानी लेखन का भी अभ्यास किया था। कहानी लेखन आपको अलग अलग तरीके से पाठ्य पुस्तक में ही दिया गया था। कई कहानी थी जो उसको आपको ढांचे के आधारित लिखना था, कई कहानी आधी दी गई थी उसमें आपको शब्द लिख के पूर्ण करनी थी और कई कहानी थी जो आपको चित्र देखकर उसके आधारित कहानी लिखना था। इसके साथ साथ निबंध लेखन, अब लेखन विभाग में आपने निबंध लेखन का भी अभ्यास किया होगा। तो याद था कि जो आपने कक्षा 5 में हिंदी में प्रथम सत्र में जो अभ्यास किया था उसकी जानकारी थी। अब सेम रूम में आपने जिस भी इकाई और लेखन विभाग का अभ्यास किया है वह हम दूसरे वीडियो में देखेंगे।